वालेकुम स्टूडेंट्स, मैम आपकी वॉइस बहुत ज्यादा लो है. लाइक इट्स रियली इवन लाइक मुझे बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही, इवन कि मुझे बिल्कुल समझ भी नहीं आ रही कि आप क्या कह रही हैं. आप आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे. आज हम जो करने जा रहे हैं वो है वेब डेवलपमेंट, वर्डप्रेस डेवलपमेंट हम करने जा रहे हैं बेसिकली. मैम आर यू यूजिंग हेडफोन्स? या मैम आई एम रियली सॉरी टू डिस्टर्बिंग अगेन, वॉइस बहुत लो है लाइक सो अगर आप उसको करीब कर लें या अगर इनको चेंज कर लें, मे बी देयर इज एन इशू इन योर हेडफोन्स. आई एम फाइन विद इट. थैंक यू सो मच मैम. सो टाइम भी हम इसको कंप्लीट कर सकें. थैंक यू मैम, ओवर टू यू. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो करने जा रहे हैं वो है वेब डेवलपमेंट. अब वेब डेवलपमेंट आपको पता है काफ़ी तरह की होती है. वेब डेवलपमेंट, मेरी वॉइस क्लियर है? यस मैम, वॉइस आपकी बिल्कुल क्लियर है, बस थोड़ी सी लो है. एवरीवन आप लोगों को थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा. आप लोग प्लीज हेडफोन्स यूज कीजिए सो आप लोगों को वॉइस बिल्कुल क्लियर आएगी. थोड़ी लो है बट क्लियर है, वॉइस बिल्कुल क्लियर है. यू कैन स्टार्ट मैम. हम यहाँ पे करने जा रहे हैं वर्डप्रेस डेवलपमेंट. अब वर्डप्रेस का नाम तो आपने सुना ही होगा और ये इजी भी बहुत है. वर्डप्रेस मतलब कोई मुश्किल ही नहीं है. वर्डप्रेस मतलब वर्डप्रेस बेसिकली होती है हमारे पास एक ओपन सोर्स होता है हमारे पास डेवलपमेंट के लिए. फ्री ऑफ कॉस्ट होती है. हम किसी भी तरह की वेबसाइट इसमें बना सकते हैं किसी भी तरह की. और ये एक्चुअली होती क्या है, ये होती है CMS डेवलपमेंट. हमारे पास क्या होती है, कंटेंट मैनेजमेंट डेवलपमेंट. मतलब हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से हम अपने कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं, एक सिस्टम बना सकते हैं अपने कंटेंट का जिसमें हम वेबसाइट को अपनी को मैनेज कर रहे होते हैं. वकार आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो मैम, वॉइस क्लियर है, आप कंटिन्यू रखिए. जैसे वॉइस में इशू आएगा आई विल लेट यू नो. थोड़ी सी लो है लेकिन वॉइस बिल्कुल क्लियर है. एवरीवन आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन, आप लोग प्लीज हेडफोन यूज कीजिए, आपको क्रिस्टल क्लियर वॉइस आएगा. अगर आप लोगों में से कुछ मेंबर्स स्पीकर पे इस टाइम क्लास सुन रहे हैं तो उनको थोड़ा इशू आएगा, अगर आप लोग हेडफोन यूज करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी. यू कैन कंटिन्यू मैम, आई एम रियली सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू अगेन. CMS डेवलपमेंट हमारे पास क्या होती है, CMS डेवलपमेंट बेसिकली हमारे पास जो सब हम वर्डप्रेस में करेंगे ना, जिस तरह से वर्डप्रेस में हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे वो हमारे पास CMS डेवलपमेंट है. कंटेंट मतलब जो हमारा डेटा होता है, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वेबसाइट हमारे पास होते हैं उनकी, उनको हम सिंपली क्या कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं. मतलब आपने देखा होगा कि एक वेबसाइट होती है, इनका प्रोडक्ट्स हम लोग दिखा रहे होते हैं, मार्केटिंग दिखा रहे होते हैं उनपे. मतलब ये सारी चीजें क्या है, हम इनमें मैनेज कर रहे हैं इस चीज को. लाइक हमारे पास कॉन्टेक्ट फॉर्म होता है, वो हम सारा कुछ क्या है, हम मैनेज करते हैं वर्डप्रेस में. अब हम वेबसाइट बहुत इससे बहुत इजी हमारी, हम इंटरटेनमेंट वेबसाइट बना सकते हैं जो कि इजीली क्रिएट कर सकते हैं. हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म, आपका वॉइस भी क्लियर आ रही मेरी? वर्डप्रेस हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती. विदाउट कोडिंग हम अपने सब काम कर रहे होते हैं. हम किसी भी तरह की वेबसाइट विदाउट कोडिंग बना सकते हैं इजीली.
इजीली हम किसी भी तरह की वेबसाइट वर्डप्रेस में बना सकते हैं। अब वर्डप्रेस जो है इटसेल्फ, मेरी आवाज अभी भी ब्रेक कर रही है। नो मैम, आवाज ठीक है, बस थोड़ी लो होने की वजह से कुछ मेंबर्स को आवाज थोड़ी सी लो जा रही है। अदरवाइज आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है, आप कंटिन्यू रखें। कि स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस मैसेजेस ऐसे हैं कि मेरी आवाज आ ही नहीं रही उन तक। नो मैम, आ रही है, थैंक यू। जैसे कोई प्रॉब्लम होगा आई एम हियर, आई विल लेट यू नो। थैंक यू। हमारे पास जो वर्डप्रेस इटसेल्फ है, ये भी तो सोचा जाए तो ये तो किसी लैंग्वेज पे काम करती है। मतलब ये तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि हम जो बना रहे हैं हम तो कोई कोडिंग नहीं यूज कर रहे, हम ड्रैग एंड ड्रॉप सब यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप सब यूज कर रहे हैं। लेकिन जो ये वर्डप्रेस इटसेल्फ है, ये किसी लैंग्वेज की बेस पे बनी हुई है। वो लैंग्वेज कौन सी है, इसमें पीएचपी और माईएसक्यूएल पे ये वर्क करती है। जो वर्डप्रेस है हमारे पास वो पीएचपी और माईएसक्यूएल पे वर्क कर रही है बेसिकली। और बाकी हम जो वेबसाइट इसमें बनाएंगे वो हम ड्रैग एंड ड्रॉप से बनाएंगे, उसमें मसला नहीं होगा हमारे पास इतना। अब ये जो आपको नजर आ रहा है मेरी स्क्रीन जो शेयर हो रही है, ये हमारे पास क्या है बेसिकली, ये हमारे पास इसका डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का। मैं इससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ वर्डप्रेस की, फिर हम डैशबोर्ड पे भी आएंगे। अब हमारे पास किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक हमारे पास डोमेन होनी चाहिए, एक हमारे पास होस्टिंग होनी चाहिए। व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज होस्टिंग, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब लाइक डोमेन, अब लाइक ये आपको नजर आ रहा है ना wordpress.com, ये जो wordpress.com है ना, ये हमारे पास डोमेन है। अब इस wordpress.com को होस्ट करने के लिए हमें जो होस्ट करने के लिए जो चाहिए होती है, इस डोमेन को होस्ट करने के लिए जो हमें सर्वर चाहिए होता है उसे हम क्या बोलते हैं, होस्टिंग बोलते हैं। मतलब इस डोमेन को हम जहाँ पे रखते हैं By using hosting server, उसे हम hosting बोलते हैं। Hosting server वो हमारा होगा और domain हमारी जो मैंने आपको बताई वो होगी। अब domain हमारे पास different तरह की होती है, .com, .info, .club, मतलब .com, .info easily मिल जाती है, .club सबसे महंगी होती है, ये purchase करनी पड़ती है आपको basically domains। अब हमें ये कहाँ से मिल जाती हैं, हमें ये लाइक ब्लू होस्ट से भी मिल जाती है, इन मोशन से भी, होस्ट गेटर से भी। आप सर्च करेंगे बहुत सी मतलब ऐसी जगह है जहाँ से आपको डोमेन मिल जाती है, तो आपका मतलब आपका एक्सपेंस आप खुद को देखते हुए आप किस तरह की डोमेन परचेज करेंगे, आपके बिजनेस की जो नेचर होगी उसको देखते हुए हम बेसिकली डोमेन परचेज करते हैं। अगर हमारी नेचर ऐसी है सिंपल, हमारा स्टोर है इंटरटेनमेंट स्टोर है इस तरह का है, तो मतलब इंटरटेनमेंट वेबसाइट है, तो हम मतलब थोड़ी चीप हम डोमेन परचेज कर लेंगे। लाइक अगर ई कॉमर्स है तो उसके लिए भी इतनी महंगी नहीं होती, मतलब ये इजी होती है, हर तरह की होती है। ये जो मैंने आपको नेम बताए यहाँ से हम डोमेन परचेज कर सकते हैं। अब हमारे पास थ्री वेज होते हैं इनको परचेज करने के, होस्टिंग को। एक हमारे पास होते हैं डेडिकेटेड सर्वर, हमारे पास होते हैं, हमारे पास VPS होते हैं, और हमारे पास शेयर्ड होस्टिंग होती है। अब जो डेडिकेटेड सर्वर होते हैं, डेडिकेटेड सर्वर वो सर्वर होते हैं जिसमें एक सर्वर होता है और उस सर्वर को आगे बहुत सारे लोगों में डिवाइड किया जाता है। एक सर्वर को लाइक हमारे पास जैसे एक वाईफाई होता है और हम बहुत सारे कनेक्ट करते हैं उसे, ये चीज़ क्या होती है, हमारे पास डेडिकेटेड सर्वर होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं VPS पे। VPS जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास इस तरह का सर्वर होता है, एक सर्वर ले लिया होता है, वो 10 लोगों को दे दिया होता है कि आप उस सर्वर को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल कर लें, 10 लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल कर दिया जाता है वो, तो वो हमारे पास VPS सर्वर होता है। फिर हमारे पास होता है शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग हमारे पास जो होती है, शेयर्ड होस्टिंग होती है, हम पूरा एक सर्वर रख लेते हैं
जो हमने परचेज किया होता है और हम उसको हम लाइक उसको मंथली रेंट पे लेते हैं, उसको एक पूरे सर्वर को ले लेते हैं, रेंट बेस होता है वो सर्वर, वो थोड़ा सा महंगा होता है हमारे लिए, लेकिन अब बिजनेस के नेचर पे डिपेंड कर रहा होता है, लाइक अमेजोन वगैरह ये बहुत बड़ी वेबसाइट्स हैं, इनके लिए मतलब इस तरह के सर्वर्स वगैरह यूज़ होते हैं, तो बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का सर्वर परचेज करेंगे और किस तरह का। हमारे पास ये हो गया, अब हम आते हैं अपने डैशबोर्ड पे। अब ये आपको वर्डप्रेस का डैशबोर्ड नजर आ रहा है ये सारा स्टूडेंट्स। अब ये जो स्टार्ट में नजर आ रहा है 24 डील्स एक्चुअली वेबसाइट है जो बनाई हुई है, इस पर इसको हम विजिट करेंगे तो ये हमें वेबसाइट शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ये पहले से बनाई हुई है वेबसाइट वो स्टार्ट शो होना स्टार्ट हो रही है। यहाँ से आप ये वर्डप्रेस आप देख सकते हैं, वर्डप्रेस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है हेल्पिंग के लिए, सपोर्ट दिया हुआ है, फीडबैक दिया हुआ है, मतलब यहाँ से आप सब कुछ देख सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। ये हमारे स्टार्ट में होते हैं कमेंट्स, लाइक आपकी वेबसाइट पर कितने लोगों ने, जब आपकी वेबसाइट लाइव हो जाती है तो लोग कमेंट्स करते हैं ना, तो वो किस तरह के कमेंट्स है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से हम ये न्यू से हम पोस्ट न्यू बना सकते हैं, मीडिया, ये सब कुछ मैं आपको नीचे बताऊंगी। एक्चुअली हम बनाते कैसे हैं मीडिया, पोस्ट, पेजेस वगैरह, ये प्रोडक्ट ऑर्डर, ये सब कुछ। एक्चुअली ये जो वेबसाइट है ये बनी हुई है, ये डैशबोर्ड इसीलिए आपको इस तरह का शो हो रहा है, इतना हैवी, अदरवाइज मैं आपको दिखाती हूँ जब आप न्यूली बनाएंगे तो इस तरह का आपको शुरू होगा। आपको ये न्यू स्क्रीन शो हुई, यस मैम आपकी स्क्रीन तो क्लियर है। देखो मैम अब आपकी स्क्रीन क्लियर है, काइंडली आप अपना कर्सर थोड़ा सा मूव करेंगी। नो मैम इसको ऑफ करके दोबारा कीजिएगा, कर्सर मूव नहीं हो रहा है, डैश यस मैम आप डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है राइट नाउ। हेलो जी मेरी आवाज नहीं आ रही। हेलो यस मैम आप आ रही है, अब आपने कुछ पिक्चर थीम्स ओपन की हैं क्लियर? स्टूडेंट्स की स्क्रीन थीम मैंने इसलिए ओपन किया है कि वो वेबसाइट वहां पे बन रही है तो इसीलिए उसका डैशबोर्ड काफी हैवी हुआ हुआ है, क्योंकि वहाँ पे हमने प्लगइन्स इंस्टॉल किए हुए, थीम्स इंस्टॉल किए हुए, टूल्स वगैरह वहाँ पे ऐड किए हुए, दैट्स व्हाई वो ज्यादा हैवी हुआ हुआ है। तो आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से मैं एक एक स्टेप आपको वहीं पे समझाऊंगी, लेकिन आपके पास सिंपल डैशबोर्ड ये होता है जब आप अपनी वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करते हैं तो आपके पास सिंपल ये होता है। तो ये मैंने आपको बताया, ये जहाँ पे लिखा हुआ है develop.svn.wordpress ये आपकी वेबसाइट होगी, यहाँ से आप अपनी वेबसाइट को लाइव देख सकते हैं, ये कमेंट्स होंगे आपके, यहाँ से आप न्यू सब चीजें ऐड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। फाइन ये हमारे पास है डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड में दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास है होम, एक है अपडेट। अब ये हमारे पास होम ओपन हुआ है, अब होम पे हमने ये खुद चीज़ें रखी हुई हैं, आपकी मर्जी होती है आप जो चीज़ें रखना चाहें वो रख सकते हैं, जो चीज़ें नहीं रखना चाहते आप नहीं रख सकते। ये आपकी वेबसाइट है, यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं, एडमिन के आपके मतलब यहाँ पे शो हो रहा है सब कुछ। अपडेट से आप अपना वर्जन अपडेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का, मतलब जो वर्डप्रेस आप यूज़ कर रहे होते हैं इसमें सारी अपडेशन वगैरह होती है। अब हम
आ जाते हैं पोस्ट पे। अब हमारे पास जो पोस्ट है आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही फातिमा ना। ओके 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 फाइन फाइन हो गई है फाइन फाइन। स्टूडेंट्स को नजर आ रही है फातिमा आपकी आवाज देख हो रही है, मुझ तक आपकी आवाज नहीं आ रही है। काइंडली आप यहाँ पे मैसेज कर दें ताकि मैं रीड कर सकूं आप क्या कहना चाह रही हैं। स्क्रीन मैम दोबारा शेयर कीजिएगा, स्क्रीन विजिबल नहीं है आपकी। यस विजिबल डैशबोर्ड है मैम इस टाइम हमारे पास। फाइन यही है। ओके थैंक यू। ये हमारे पास डैशबोर्ड है सारा जो मैंने आपको बताया वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। मैं आपको अगेन बता दूं पहले आपके पास स्क्रीन नहीं शो हो रही थी। ये हमारे पास होम है, ये हमारे पास अपडेट है। होम पे हमारे पास हमारी वेबसाइट की सारी चीज़ें पड़ी होंगी, आपको इससे ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। मतलब यहाँ पे सिर्फ ये एडमिन वगैरह होगा, एडिट माय प्रोफाइल आप एडिट कर सकते हैं, नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का, लॉग आउट लॉगिन, ये सारी चीज़ें इधर होती हैं। अब हम आ जाते हैं अपडेट पे। अपडेट पे हमारे पास क्या होगा, अपडेट पे हमारे पास ये होगा हम वर्डप्रेस का वर्जन चेंज कर लें, मतलब हम अपनी वेबसाइट को अपडेट कर लें, इस तरह की सारी चीज़ें होंगी वर्डप्रेस पे अपडेट पे। अब हम आ जाते हैं पोस्ट पे। पोस्ट पे आपको नजर आ रहे हैं ये ऑल पोस्ट एड न्यू कैटेगरीज टैग्स। अब ऑल पोस्ट देख लेते हैं हम यहाँ पे पोस्ट जो है वो किस तरह की गई। अब ये देखें यहाँ पे ये सारी पोस्ट जो की गई हैं ये हमें सब नज़र आ गई हैं, ये इतनी सारी पोस्ट हुई हुई हैं इस वेबसाइट पे। लेकिन जब आप न्यू बनाएंगे तो यहाँ पे एक पोस्ट पहले से क्रिएट की होगी हेलो वर्ल्ड की जब आप अपना स्टार्ट करेंगे। अब हम कहते हैं पोस्ट बनाते किस तरह से हैं, हम पोस्ट बनाने का तरीका ये है एड न्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम अपनी पोस्ट का टाइटल देते हैं, यहाँ पे हम अपनी पोस्ट का जो भी मतलब डाटा लिखना चाह रहे होते हैं हम वो लिखते हैं और यहाँ से हम पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद अगर हम उसे देखना चाहते हैं तो हम यहीं से प्रीव्यू करके देख सकते हैं, या फिर हम जहाँ पे मैंने पहले बताया था ऑल पोस्ट बटन होता है वहाँ से जाके हम अपनी पोस्ट को जाके इस तरह से देख सकते हैं। ये पोस्ट लाइक ये क्रिएट की हुई है बेस्ट ऑनलाइन हाउ टू बेस्ट ऑनलाइन फिजिक्स, ठीक हो गया। अब यहाँ से हम एडिट भी कर सकते हैं अपनी पोस्ट को, क्विक एडिट भी कर सकते हैं, मतलब क्विक एडिट फौरन से एडिट हो जाएगी, मतलब वो ज़्यादा आपसे कन्फर्मेशन या इस तरह की चीज़ें नहीं मांगेगी, ओके ओके पब्लिश वगैरह ये चीज़ें नहीं मांगेगी। फ्रेश, अब फ्रेश जो हमारे पास होता है वो होता है डिलीट कर देना किसी भी चीज़ को, फ्रेश डिलीट कर देना यहाँ से किसी भी चीज़ को। व्यू, हम अपनी पोस्ट व्यू करते हैं, ये हम कैशे में अपनी पोस्ट डाल देते हैं। फाइन मैं आपको बना के दिखाती हूँ पोस्ट। एड न्यू पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमने लाइक अबाउट लिख दिया। अबाउट लिखने के बाद यहाँ पे हम अबाउट का जो भी मतलब हमारी कंपनी का अबाउट होगा या जो भी होगा वो हम इधर लिख देंगे और हम पब्लिश कर देंगे। यहाँ से पब्लिश हो जाएगी तो हमें वहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। एक्चुअली मैं यहाँ पब्लिश नहीं कर सकती क्योंकि ये वेबसाइट बनी हुई है, अगर मैं पब्लिश करूँगी तो वहाँ पे ये पोस्ट भी पब्लिश हो जाएगी और ये वेबसाइट लाइव है, दैट्स वाई मैं आपको इस तरह से
दिखा रही हूँ, सिर्फ आपने पब्लिश का बटन प्रेस करना है तो ये पब्लिश हो जाएगी अपना डाटा लिखकर, ठीक हो गया? कैटेगरीज में हमारी पोस्ट की जो भी जिस तरह की भी कैटेगरी होगी हम उसका नाम लिख के उस पोस्ट को हम उसमें ऐड कर देंगे। अब हमारे पास टैग्स आ जाते हैं, टैग्स आपने देखा होगा लाइक एसईओ वगैरह जब हम करते हैं। जी जी मैं वो भी आपको बता देती हूँ, पिक्स मीडिया से ऐड होंगी, हम पिक्स पे ही जा रहे हैं, नीचे हम पिक्स पे ही जा रहे हैं, वो भी हम देखते हैं। टैग्स में लाइक हमारी जो चीज है वो है लाइक हमने एक ई कॉमर्स स्टोर बनाया, एक शॉपिंग स्टोर बनाया हमने लाइक मेट्रो वगैरह। अब टैग्स वो होते हैं लाइक हम टैग्स डाल देते हैं उधर हैश ई कॉमर्स, हैश स्टोर, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास टैग्स होते हैं। पोस्ट हमारे पास वो होती है, जी जी मैं पोस्ट को रिपीट करती हूँ, पोस्ट हमारे पास वो होती है जो किसी भी लाइव वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं। लाइक आप फेसबुक पे पोस्ट करते हैं ना, ऐसे ही कोई भी आपकी वेबसाइट देख के पोस्ट कर देगा, तो ये सिंपली पोस्ट होती है। अब पोस्ट करते कैसे हैं वो भी मैंने आपको बता दिए, उसमें कैटेगरीज आप ऐड कर देंगे, टैग्स वगैरह ऐड कर देंगे, उस तरह से हम ऐड करते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन था पिक्चर कैसे ऐड करते हैं मुनीर, अब ये आपका क्वेश्चन आ गया मीडिया। मीडिया हमारे पास मीडिया में दो हैं। अब हमारे पास लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी को हम ओपन करते हैं, देखते हैं लाइब्रेरी में वो सारी इमेजेस जो हमने यहाँ पे पोस्ट की होती हैं वो सारी लाइब्रेरी में शो हो रही होती हैं। पूरी वेबसाइट की इमेजेस आप ये देख सकते हैं, ये देखें लाइब्रेरी में सारी इमेजेस शो हो रही हैं। आप इधर से कोई भी सिलेक्ट करके लाइक ये देखें ये सिलेक्ट हो गए, यहाँ से मैं ये इमेज डालना चाह रही हूँ किसी भी जगह पे, ये इमेज सिलेक्ट हो गई है। यहाँ से मैं इसको पोस्ट कर देती हूँ तो ये पोस्ट हो जाती है। बाकी अगर आप इमेजेस न्यू डालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ऐड न्यू लिखा हुआ था, इसको आप क्लिक करेंगे, लाइक आपकी लाइब्रेरी में इमेजेस नहीं पड़ी, यहाँ से सिलेक्ट फाइल करेंगे, यहाँ से आप कोई भी मतलब इमेजेस करके ओपन कर लेते हैं तो वो इमेजेस, वो इमेज कहाँ पे जाती है, आपकी लाइब्रेरी में जाती है वो इमेज, और वहां से आप उस इमेज को अपलोड कर लेंगे आसानी के साथ। हमने देख ली पोस्ट किस तरह से क्रिएट होती है, हमने देख लिया मीडिया में लाइब्रेरी में इमेजेस पहले से पड़ी होती हैं, और हम न्यू इमेजेस कैसे लेके आ रहे होते हैं और न्यू पोस्ट किस तरह से बना रहे होते हैं। अब हम आ जाते हैं पेजेस पे, नीचे आपको पेजेस ऑल पेजेस पर मैं क्लिक करूंगी तो इस वेबसाइट के जितने भी पेज हैं वो हमें शो हो जाएंगे। ये सारे शो हो जाएंगे पेजेस। अब हम न्यू पेज बनाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से ऐड न्यू करते हैं, हमारी वेबसाइट इस तरह से बनेगी। आप सबसे पहले लॉगिन होंगे वर्डप्रेस में। अब आपको थीम के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, अभी वो थीम के बारे में नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। नीचे है थीम का, अपीयरेंस में जाके है तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से हम टाइटल डालेंगे, लाइक हम अबाउट डाल लेते हैं अपने पेज का नेम, अबाउट में हम जो भी चीज़ें डालना चाह रहे हैं, जो भी लिखना चाह रहे हैं वो सब कुछ हम लिख लेते हैं यहाँ पे। एड ब्लॉक, अब आपने कहा था इमेजेस, ये देखें यहाँ पे, यहाँ से हम इमेज डाल लेंगे, कोई भी हम लाइब्रेरी से इमेज उठा लेंगे पेज में, या जो भी आप जिस तरह की भी इमेज कोई भी डालना चाहते हैं तो वो
इमेज बन जाएगी और सिंपली आप पोस्ट की तरह यहाँ से पब्लिश कर देंगे तो वो आपका एक पेज पब्लिश हो जाएगा। प्रीव्यू करके आप उसे देख भी सकते हैं यहाँ से। ये आपके सारे पेजेस शो हो रहे हैं और यहाँ पे ये लिखा हुआ है एडमिन, मतलब ये एडमिन ने क्रिएट किए हैं। यहाँ पे डेट लिखी होती है पब्लिश डेट के, मतलब ये पब्लिश कब कब कैसे कैसे हुए हैं। जी मैं आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना भी सिखा दूंगी, कोई मुश्किल नहीं है उसमें। पहले आप डैशबोर्ड को अच्छे से देख लें, वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको डैशबोर्ड के एक एक पॉइंट का पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट क्या वर्क कर रहा है, तो आप आसानी से काम कर सकेंगे। तो प्लीज पहले आप ये देख लें, डैशबोर्ड को देख लें, उसके बाद मैं उस चीज पे भी आती हूँ और इसको ठीक से समझ लें आप। मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी यहाँ पे, एक मिनट, ये आपको शो हो रही है। आप जब डाउनलोड करेंगे आपको इस तरह की इमेज शो होगी। हमने पेजेस कर लिए, पोस्ट भी कर लिया, मीडिया भी कर लिया, पेजेस भी कर लिए, कमेंट्स। कमेंट्स वही चीज है जो मैंने स्टार्ट में भी, यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा, ये कमेंट्स का सेक्शन है, यहाँ पे भी नजर आ रहा है। कमेंट्स बेसिकली वो चीज है कि आप की वेबसाइट पे जो लोग कमेंट्स करते हैं वो आपको किस तरह के शो होते हैं। हम सिंपली देख लेते हैं वहां पे भी जाके। ये देखिए ये कमेंट्स किए हमें, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये आई थिंक आपको ये मैंने यहाँ से कमेंट्स पे गई हूँ, ये कमेंट्स किए हमें, अब शो हो रहा है। ये बेसिकली क्या है, कमेंट्स हैं ये सारे। फाइन फाइन, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इसके बाद हमारे पास क्या चीज थी। कमेंट्स के बाद आपके पास अपीयरेंस है। अपीयरेंस में अब क्या क्या चीजें होती हैं हम देखते हैं। ये आपके पास अपीयरेंस है। अपीयरेंस में आपके पास सबसे पहले थीम नजर आ रहा है आपको, फिर आपके पास कस्टमाइजेशन नजर आ रही है, फिर विजेट्स, फिर मेन्यूज, फिर थीम एडिटर। सबसे पहले हम थीम्स पे जाते हैं। थीम्स बेसिकली क्या है? थीम वो है, थीम सबसे मेन पार्ट है आपकी वेबसाइट का। अब आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि हम वेबसाइट कैसे बनाएंगे। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने थीम पे क्लिक किया है तो ये डिफरेंट थीम मुझे नजर आ गए हैं। यहाँ पे वर्डप्रेस के कुछ पहले से ही लाइक किए वाला, ये थीम पहले से ही दिया होता है वर्डप्रेस में। आप इसको यहाँ से एक्टिवेट, यहाँ से लाइव प्रीव्यू करके तो आप पहले देख लेंगे कि ये दिखता किस तरह से है, उसके बाद आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो आपकी वेबसाइट पे ये लग जाएगा, ये वाला थीम हो जाएगा आपकी वेबसाइट पे। हमने इसको यहाँ पे ये वाला एक्टिव किया हुआ है, इनके नेम भी लिखे होते हैं सबके। और आप कोई और थीम ऐड करना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं मुझे इनमें से कोई भी नहीं चाहिए, मैं खुद ही थीम ऐड करना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे कोई भी थीम लिख सकते हैं। लाइक ये कलर वे, ये कलर वे आ गया, ये थीम आ गया। मैं इधर से इसको सर्च करूँगी, फिलहाल नहीं मिल रहा हमें। यहाँ पे मैं लिखूंगी ई कॉमर्स, आई थिंक कोई मसला आ रहा है। एक तो ये तरीका आपका थीम आपका सर्च करने का कि आप यहाँ नाम आपको एक्यूरेट लिखना होता है। आई थिंक मैंने ई कॉमर्स के स्पेलिंग गलत लिखे थे, तो दैट्स व्हाई। यहाँ पे आपको नेम थीम का लिखना होगा, थीम आ जाएगा आपके नीचे अगर वो फ्री है तो।
और अगर वो फ्री नहीं है तो आपको परचेज करना होगा जी। जी एड न्यू पे जाके सर्च नहीं कर सकते अली, सर्च नहीं कर सकते, मैं एड न्यू पे ही जा रही हूँ। एड न्यू पे ये होगा कि आपको किसी थीम की फाइल आप किसी से मिल जाती है, किसी फ्रेंड से मिल जाती है, या आपने परचेज की होती है थीम, तो उसकी तो आप क्या करते हैं एड न्यू पे जाते हैं और आपके कंप्यूटर की मेमोरी में जो पड़ा होता है थीम यहाँ से आप क्या करेंगे अपलोड करेंगे, यहाँ से ये चूज फाइल करेंगे, आप चूज फाइल करके जहां पे भी आपका थीम पड़ा हुआ है आप उसे ओपन कर लेंगे और यहाँ पे लाके आप उसको सिर्फ क्या करना होगा आपको एक्टिवेट करना होगा, वो थीम यहीं पे शो होने लग जाएगा, सिर्फ एक्टिवेट करना होगा। ये आपको यहाँ पे काफी ज्यादा थीम नजर आ रहे हैं, यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं सी, यहाँ पे ये लाइक ये पहले से लिखे भी हुए हैं, एस्ट्रो थीम होता है, फेमस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एस्ट्रो आ गया, एस्ट्रो से मिलता एस्ट्रोल आ गया, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। आप इसको पहले तो इंस्टॉल करेंगे, पहले क्या करेंगे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आप इसको एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट करने के बाद ही आपकी वेबसाइट इस तरह की शो होने लग जाएगी इस थीम की तरह। फिर आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं थीम को, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हम देखते हैं। अपीयरेंस में हमने थीम देख लिया, थीम क्या है, थीम क्या है, थीम आपकी वेबसाइट को किस तरह से डिस्प्ले कर रहा है, हम किस तरह से डिस्प्ले करेंगे अपनी वेबसाइट को, किस तरह से लोगों को दिखाएंगे, वो बेसिकली हमारे पास थीम है। मैं आपको दिखा दी, चलो ये जो वेबसाइट पहले से यहाँ पे बनी हुई है ये जिस तरह से नजर आ रही है आपको, या आपको हेडर नजर आ रहा है इसका, ये आपको पोस्ट सेक्शन नजर आ रहे हैं, ये आपको फुटर नजर आ रहा होगा लास्ट में, ये फुटर नजर आ रहा है, ये हमारे पास सारा क्या है, ये हमारे पास थीम है। लाइक इसको हमने अपने कंटेंट को मैनेज किस तरह किया हुआ, डिस्प्ले किस तरह, डिस्प्ले किस वे में किया हुआ, ये सारा हमारे पास क्या है, थीम है। उसके बाद हम आ जाते हैं कस्टमाइज। कस्टमाइज हमारे पास क्या होती है, कस्टमाइज के नेम से ही शो हो रहा है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन क्या होती है बेसिकली, कस्टमाइजेशन हमारे पास होती है कि हमारा जो थीम होता है उसको हम कस्टमाइज कर लें। लाइक उसमें हम अपने ब्लॉक्स कुछ बनाना चाह रहे हैं या और कुछ सेक्शन ऐड करना चाह रहे हैं या किसी सेक्शन को ऊपर नीचे करना चाह रहे हैं या हमें कोई इमेज कहीं पे अच्छी नहीं लग रही हम उसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो सारा हमारे पास किस चीज में आएगा, कस्टमाइजेशन में आएगा। कस्टमाइजेशन में आप देख सकते हैं जनरल है, स्टाइलिंग है, हेडर है, वो कॉमर्स ब्लॉक, ये एक्चुअली सारे इस वेबसाइट के जो इस वेबसाइट में बने हुए हैं वो जनरल में आप अपने नेम वगैरह चेंज करेंगे, स्टाइलिंग वगैरह चेंज होती है, हेडर वगैरह, हेडर आपका ये होता है ऊपर वाला जहाँ पे आपको ये बैनर्स वगैरह शो हो रहे होते हैं, फुटर आपका वो नीचे वाला होता है, मैं आपको फुटर भी दिखाती चलूँ, ये हमारे पास लास्ट में फुटर होता है, इसको भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। एक थीम में बहुत सारे फुटर दिए होते हैं, बहुत सारे, आपको जो फुटर अच्छा लगे आप वो फुटर वहां से उठा लेते हैं और आप उसमें ये, सॉरी ये परचेज थीम है, ई कॉमर्स थीम है 24 डील्स का, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये परचेज किया गया है थीम। आपका आंसर क्लियर हो गया होगा 24 डील्स वाला, हमने देख लिया हम एक अपने थीम को कस्टमाइज किस तरह कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, हम उनके हेडर फुटर चेंज कर सकते हैं, फुटर एक्चुअली काफी सारे दिए होते हैं थीम्स में, तो हम उनको चेंज कर सकते हैं और हम अपना भी क्रिएट कर सकते हैं, लाजमी नहीं है हम इनका ही लेके चले, हमें इस थीम में कुछ कस्टमाइजेशन यही तो है,
अगर हमें इस थीम में कुछ पसंद नहीं आ रहा तो हम क्या करें, इस थीम में खुद कुछ ऐड करें, मैनेज करें इस थीम को जिस तरह भी हम मैनेज करना चाह रहे हैं। लाइक हमारी सर्विसेज नीचे दी हुई है, पोर्टफोलियो ऊपर दिया हुआ है, हम सर्विसेज को ऊपर लाना चाह रहे हैं, पोर्टफोलियो को बाद में लाना चाह रहे हैं, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें हमारे पास कस्टमाइजेशन में आ रही है कि हम अपने थीम को कस्टमाइज किस तरह से करें। अब हमारे पास आ जाते हैं विजेट्स। हमारे पास आ जाते हैं विजेट्स। विजेट्स बेसिकली क्या होते हैं, विजेट्स के नेम से ही शो हो रहा होता है। विजेट्स हमारे पास होते हैं लाइक आपने देखा होगा ये आपको शो हो रहे हैं, रिसेंट पोस्ट, सर्च, मेटा टैग, ये सारे कैलेंडर्स कैटेगरीज विजेट्स होते हैं। विजेट्स हम कोई भी विजेट्स ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, किसी भी विजेट्स को रिमूव कर सकते हैं। फुटर हो गया, फुटर भी एक विजेट है, हेडर भी एक विजेट है, हम किसी भी चीज को ऐड कर सकते हैं, किसी भी चीज को रिमूव कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के विजेट्स, ये हमारे पास विजेट्स होते हैं। अब हम आ जाते हैं मेन्यूज में। मेन्यूज हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, आप ये वेबसाइट देखें 24 डील्स वाली वेबसाइट, पोर्टफोलियो खतीजा वो होता है, पोर्टफोलियो जो आपकी कंपनी होती है उसका जो वर्क आप शो करवा रहे होते हैं ना दूसरे लोगों को, लाइक हम इस पे काम कर रहे हैं, हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हमारा काम बहुत मतलब आप एफिशिएंट वर्क अपना दिखा रहे होते हैं। एक पोर्टफोलियो होता है वेबसाइट का, एक पेज होता है पोर्टफोलियो, वहां पे हम अपना सारा वर्क दिखा रहे होते हैं। एक मेन्यूज में आपको दिखाने जा रही थी, मेन्यूज हमारे पास क्या है, मेन्यूज हमारे पास ये है, मेन, वुमेन, काइंड, होम, लिविंग। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पेजेस हैं, ये हमारे पास पेजेस हैं, फिर इनके सब पेजेस हैं, मेन में लाइक क्लोथिंग, विंटर वेयर। अब पेजेस पेजेस बनाते किस तरह है? मैंने आपको बताया, अब आपको लाइक ये आपको नजर आ रहा है ना, हम इसको देखते हैं, मेन को देखते हैं, फिर मेन के सब पेजेस को देखते हैं। लाइक मैंने पेजेस बनाने हैं, मैंने मेन का पेज बना दिया, फिर क्लोथिंग का बना दिया, विंटर का बना दिया, अब मैंने तो सारे पेजेस बना दिए, वो तो एक साथ शो होने लग गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको होना चाहिए लाइक ये इसका सब पेज कैसे बना है, मेन तो एक पेज है, आगे इसके सब पेज किस तरह बने। ये काम हम करते हैं मेन्यूज में, ये काम हम किस में करते हैं, मेन्यूज में। मेन्यूज जो होते हैं वो इनको डील करते हैं, लाइक आप ये देखें यहाँ पे ये हेल्थ केयर डिजिटल कोर्स इस्लामिक फ्रेम्स, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये लाइक हमारा पेज है। अगर मैं इसको इसका सब पेज बनाना चाह रही हूँ, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दूंगी, आपने देखा इसमें डिफरेंस आ गया, ये भी इसका सब पेज बन गया, इस तरह से ये चीज हो रही है। अब हेल्थ केयर का डिजिटल कोर्स और इस्लामिक फ्रेम्स क्या बन गया, सब पेज बन गया इस तरह से, लाइक जिस तरह से हमने देखा था मेन एक पेज था, फिर उसके सब मेन्यूज थे, ये मेन्यू था, ये इसके सब मेन्यूज थे। सिंपल आप पेजेस बनाएंगे, पेजेस सारे मेन का बनाएंगे, क्लोथिंग का बनाएंगे, अब जो जो आपने मेन्यू का सब मेन्यू करना होगा आप उसको किस तरह कर देंगे, मेन्यूज में जाके लाइक ये आपने देखा भी होगा यहाँ पे सब आइटम्स लिखा हुआ आ गया, ये मैंने इधर किया है तो वो सब आइटम्स रिमूव हो गया वहां से, यहाँ से भी सब आइटम्स रिमूव हो गया, स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है थीम एडिटर। थीम एडिटर में बेसिकली क्या है, अब आपको इसके नाम से शो हो रहा है कि थीम को एडिट करना। थीम क्या है, हमारी अपीयरेंस है, जो हमारी वेबसाइट की अपीयरेंस है सारी वो एक्चुअली थीम है, लाइक हम किस तरह से अपनी वेबसाइट को डिस्प्ले कर रहे हैं ये हमारे पास थीम है। अब आ जाता है हमारे पास थीम एडिटर। थीम एडिटर बेसिकली
ये चीज हमसे मांगती है, कोडिंग मांगती है। एलिमेंटर एक प्लगइन है मुनीब, अभी प्लगइन पे हम गए नहीं है, प्लगइन पे जाएंगे हम तो तब हम देखेंगे। थीम एडिटर, एडिट थीम, ये नॉर्मली जो होते हैं, लाइक आप वेबसाइट बनाने जा रहे हैं अपनी, आप बिगनर हैं और आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आप इस सेक्शन को बिल्कुल टच नहीं कर सकते थीम एडिटर को। थीम एडिटर डेवलपर्स का काम होता है, क्योंकि यहाँ पे कोडिंग लग रही होती है कि आप अपना थीम चेंज करवाना चाह रहे हैं बाय कोडिंग के थ्रू, विजेट्स के थ्रू तो हम कर सकते हैं ऊपर नीचे इस तरह से, लेकिन आप कुछ और चाह रहे हैं, लाइक टोटली थीम अपना चेंज करवाना चाह रहे हैं, तो वो कोडिंग के थ्रू होता है और ये डेवलपर्स का काम होता है। डेवलपर्स कर रहे होते हैं इस काम को, कोडिंग के थ्रू कर रहे होते हैं, हमें कोडिंग की लाइंस वगैरह चेंज करनी होती है, सब चेंज करना होता है, तो हम इस चीज को नहीं छेड़ते, ये डेवलपर्स का काम होता है। लाइक अगर आपने अपना थीम चेंज करवाना है, आप कोई प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं आप, तो आप किस तरह से चेंज करवाएंगे अपना, आप किसी डेवलपर के पास जाएंगे, आप उन्हें कहेंगे हमारा थीम एडिट कर दे, देन वो इस थीम एडिटर को, देन वो क्या करेंगे, इसको इसकी एक्सेस मांगेंगे आपसे कि आप हमें इसकी एक्सेस दें, फिर आप इसकी एक्सेस देंगे उन्हें, तो फिर वो क्या करेंगे, फिर आपका थीम एडिट करेंगे। ये थीम एडिटर सिर्फ डेवलपर्स के लिए होता है, कहीं से स्टूडेंट्स आपको समझ ना आए तो काइंडली आप मुझे बताइएगा, ताकि मैं उसको अगेन आपके लिए बता दूं, आपको ठीक से समझ आ जाए, ताकि हम नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको अपीयरेंस क्लियर हो गई, अपीयरेंस को मैं दोबारा से करती चली जाती हूँ। थीम क्या होता है, थीम हम अपनी वेबसाइट को किस तरह से डिस्प्ले कर रहे होते हैं, ये हमारे पास थीम होता है कि हम अपनी वेबसाइट को, ये 24 डील ये थीम था, ये थीम था, इसमें मैंने मतलब क्या क्या चीज़ें ऐड की, वो जिस तरह से हम ऐड कर रहे होते हैं उस तरह से शो होती चली जाती हैं चीज़ें। उसके बाद आ जाता है कस्टमाइज, कस्टमाइज में हम अपने थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं, लाइक हम उसमें और ब्लॉक्स ऐड कर सकते हैं, ब्लॉक्स डिलीट कर सकते हैं, हर तरह की चीज़ें ऊपर नीचे कर सकते हैं, कस्टमाइज हम कर सकते हैं। विजिट्स में हमारे ब्लॉक्स आ जाते हैं, हम लाइक हम दो फॉर्म, हम एक नहीं हम दो फॉर्म बनाना चाह रहे हैं कॉन्टेक्टर्स के, या हम एक कॉन्टेक्टर्स का बनाना चाह रहे हैं, एक हम किसी और चीज़ का फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, ये हमारी सारी चीज़ें विजिट्स में आ जाती हैं। विजिट्स ऐड कर लो आप, ब्लॉग्स कहीं पे भी किसी तरह का भी थीम में ऐड कर सकते हैं, ये आपके विजिट्स होते हैं। मेन्यूज़ में मैंने आपको बताया, आपके पेजेस बड़े होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं, सब मेन्यूज़ होते हैं, मेन्यूज़ कैसे बनाएंगे, पेज क्रिएट करेंगे हम, सब पेज क्रिएट करेंगे, जो सब मेन्यूज हमने बनाने होंगे उनको हम मेन्यूज से आगे स्क्रॉल डाउन कर देंगे, आगे ड्रैग कर देंगे, इस तरह से हमारे मेन्यूज बन जाएंगे। वेबसाइट रजिस्टर कैसे होगी, अब्दुल्ला रजिस्टर कैसे, वेबसाइट बनाना तो सीख लेते, रजिस्टर करना भी सीख लेंगे। रजिस्टर करना एक्चुअली मैंने आपको बताया स्टार्ट में कि रजिस्टर कैसे होती है, आपको होस्ट डोमेन परचेज करनी होती है वेबसाइट बनाने के बाद, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप उसको रजिस्टर करवाते हैं, इसके लिए आपको डोमेन खरीदनी पड़ती है, कहाँ कहाँ से खरीदनी पड़ती है मैंने वो भी बताया आपको, इस तरह से ही चल रहा होता है। अब हमारे पास एक्चुअली आई थिंक बच्चे कह रहे हैं आज के लिए इतना काफी है, ठीक हो गया एवरी का मिनट।
अब आप ये देख सकते हैं हमने यहाँ से कितनी चीजें कर ली, हमारे पास प्लगइन्स रह गए, यूजर रह गए, टूल्स रह गए, सेटिंग्स रह गई हैं। थीम सब ही बहुत बेस्ट होते हैं। थीम बेसिकली अगर आप परचेज करते हैं तो वो ज्यादा बेस्ट होता है, अगर आप फ्री यूज करेंगे तो वो बेस्ट नहीं होता है। इस तरह से थीम चलते हैं। कोडिंग आप नहीं करते नाजिया, कोडिंग इसमें जरूरत नहीं होती, ये CMS डेवलपमेंट है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आप क्या कर रहे होते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने कंटेंट को, अपने डाटा को मैनेज कर रहे होते हैं थ्रू ड्रैग एंड ड्रॉप, थ्रू थीम, थ्रू पेजेस। आपको इसमें कोडिंग की कहीं पे भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। एक जगह जरूरत पड़ती है एडिटर में, वो मैंने आपको बताया है। एडिटर में अगर आपने थीम को एडिट करना हो तो आपको तब जरूरत पड़ती है। थीम परचेज कैसे करते हैं, थीम की बहुत सारी वेबसाइट है, आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे थीम, ई कॉमर्स थीम फॉर वर्डप्रेस, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स नीचे मिल जाएंगी, वहां से आप अपना थीम कुछ भी लाइव, उसको लाइव भी आप पहले देखेंगे, आपको पसंद आएगा तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। हमें एलिमेंटर प्रो बाय करना पड़ता है, एलिमेंटर प्रो। प्लगइन्स में आपको सुबह करवाऊंगी, प्लगइन्स ही इसके बाद आएंगे। आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो प्लीज आप मुझसे पूछ लें। मेन्यूज का मैंने आपको बताया नाजिया, मेन्यूज क्या होते हैं, बेसिकली आपके पेजेस होते हैं मेन्यूज। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ, आपके जो तमाम पेजेस होते हैं वो आपके ये आपने पेजेस क्रिएट कर लिए हैं या शो हो रहे हैं हेडर पे, ये मेन्यूज हैं। इसको सब मेन्यूज कैसे बनाना है, मेन्यूज कैसे रखना है, ये भी मैंने आपको बताया है। अब वर्डप्रेस इंस्टॉल करना मैं आपको चलें बताती हूँ। वर्डप्रेस इंस्टॉल दो तरीके से वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाती है, एक तो आप अपना cPanel परचेज कर लें, वो आपकी ऑनलाइन होस्टिंग होगी, एक उस तरह से वर्डप्रेस हो जाती है, एक इस तरह से वर्डप्रेस होती है। लाइक आप अभी परचेज करना नहीं चाहेंगे, अभी आप चाहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट हम एक वेबसाइट को बना लें, तो आप क्या करेंगे, आप गूगल पे जाके लिखेंगे वर्डप्रेस डाउनलोड, wordpress.org से आपकी वर्डप्रेस डाउनलोड हो जाएगी। कहीं से भी, किसी भी, लाजमी नहीं है यही लिंक, किसी भी लिंक से जाके आप डाउनलोड कर लें, कोई भी वर्जन आप डाउनलोड कर लें, लेटेस्ट देख लीजिएगा, वो आप डाउनलोड कर लेंगे। जब आपको एक चीज़ की जरूरत पड़ती है, अगर आप XAMPP के थ्रू करते हैं, आपको XAMPP डाउनलोड करना होगा, XAMPP डाउनलोड करना होगा। आपको फिर XAMPP को रन करके आपको XAMPP का Apache सर्वर और MySQL सर्वर को स्टार्ट करना होगा। फिर आपने जो फाइल डाउनलोड की है वर्डप्रेस की जो फाइल डाउनलोड की, आप उसको पहले तो एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप जाएंगे सी में जब आप जाएंगे, वहां पे आपको नजर आएगा XAMPP, क्योंकि XAMPP आप इंस्टॉल कर चुके होंगे। XAMPP आप ओपन करेंगे, XAMPP का फोल्डर, XAMPP के फोल्डर में आपको बहुत से सब फोल्डर्स नजर आएंगे, उसमें एक होगा htdoc का फोल्डर। htdoc का फोल्डर जब आप ओपन करेंगे, htdoc में आप एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, कोई भी फोल्डर जो आप वेबसाइट बनाना चाह रहे, लाइक आप अपने वेबसाइट का नेम रख दे, स्क्रीन स्टक नहीं है, स्क्रीन यही है, मैं आपको बता रही हूँ, आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो आपके लिए इजी हो जाएगा। नो बच्चों, प्ले स्टोर से नहीं होगी, गूगल से, क्रोम से आप करिएगा। उसके बाद आपको एक फोल्डर बनाना होगा, वहां पे फोल्डर का नेम आप वो रखेंगे जो आपने डेटाबेस का नेम रखा होगा, लाइक जो आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का नेम रखना होगा, आप वो नेम रखिएगा।
आप वो नेम रख के फिर जो वर्डप्रेस हमने डाउनलोड की थी और जिसको एक्सट्रैक्ट किया था उसको प्लीज आप वहां से कॉपी करेंगे और उस फोल्डर में लाके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप उसको वर्डप्रेस फोल्डर को ओपन करेंगे। वर्डप्रेस फोल्डर को ओपन करने के बाद जितने भी फाइल्स उसमें होंगी आप उनको कट करेंगे। कट करने के बाद आप उनको बाहर बैक आकर उस फोल्डर में पेस्ट कर देंगे और जो वर्डप्रेस इटसेल्फ फोल्डर था उसको आप डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद आप आएंगे अपने क्रोम पर। आप अपने क्रोम पर आएंगे, क्रोम पर आप लोकल होस्ट /phpMyAdmin लिखेंगे। ये आपका किस लिए है? क्योंकि आपने डेटाबेस क्रिएट करनी होगी। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आप उसका नेम वही लिखेंगे जो आपने वहां पे फोल्डर का नेम लिखा हुआ है, क्योंकि उस डेटाबेस से हम लोकल होस्ट को उस फोल्डर को एक्सेस कर रहे होंगे। वहाँ पे हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, वहाँ पे नेम लिख देंगे, सिर्फ इतना ही काम होगा। उसके बाद जो हमारा अपनी वेबसाइट का नेम होगा, न्यू टैब पे जाके हम लोकल होस्ट / और अपनी वेबसाइट का नेम लिख देंगे तो हमें फिर ये वाला वर्डप्रेस ये डैशबोर्ड शो हो जाएगा। ये आपको मैंने वर्बली बताया है, इसके डाउनलोडिंग में काफी देर लगती है, मुझे क्रोम से डाउनलोड करना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं है। आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो आप इजीली मेरी वॉइस को सुनकर आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप यूट्यूब पे भी लिख सकते हैं, आपको हर तरह से ये मिल जाएगी। अदरवाइज मैंने एक एक चीज बताई है आपको, किस तरह से आपने फोल्डर क्रिएट करना है, किस तरह से आपने फोल्डर बनाना है, किस तरह से कट करना है, सारी चीजें आपको ये यहाँ पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। बाकी हमने जो आज किया है आप उसको गो थ्रू करिएगा, जहाँ से ना समझ आए कल भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन जो हमारा रह गया है वो हम कल इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। मैंने आप लोगों से एक लिंक शेयर कर दिया है, आप अपना जितना भी एक्सपीरियंस है वो इस लिंक पे शेयर कर सकते हैं, आप अपना फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। लिंक मैंने आपसे शेयर कर दिया है, आप वो लिंक चेक कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच मैम, आपको मैंने शुरू में थोड़ा सा डिस्टर्ब भी किया है लेकिन थैंक्स फॉर योर टाइम। एंड चला आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से जो फीडबैक का लिंक शेयर किया गया है आप सब लोग जल्दी जल्दी से उस पर अपना फीडबैक प्रोवाइड कर दें, सो दैट हम कल एक ज्यादा बेटर एनर्जी के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकें। थैंक यू।